इसका सीमांकन कराया। कुसमुंडा खदान में मिट्टी कटिंग का कार्य करने वाली ठेका कंपनी बीजीआर के वर्करों ने पिछले दो दिन से काम बंद कर हड़ताल पर बैठे हैं। वेतन बढ़ाने सहित आठ सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठे वर्करों के बीच कुसमुंडा क्षेत्र के स्थानीय नेता व जिला कोरबा कांग्रेस सचिव अमरजीत सिंह पहुंचे, जिन्होंने बीजीआर के जीएम अनिल रेड्डी व एसएससीएल के अधिकारियों के साथ वर्करों के हित को ध्यान में रखते हुए बैठक आहूत की। बैठक में बीजीआर के जीएम अनिल रेड्डी ने वर्करों की वेतन वृद्धि की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि जिस रेट के तहत हमें टेंडर मिला है उस मानक पर वर्करों को वेतन दिया जा रहा है। बढ़े हुए वेतन की जो मांग वर्कर कर रहे हैं उस पर कोल इंडिया के अधिकारी से बात हो रही है। अगर कोल इंडिया वेतन बढ़ाती है तो हम वर्करों को बढ़े हुए वेतन देंगे। इस पर वर्कर आक्रोशित हो गए। स्थिति को संभालते हुए अमरजीत ने कहा कि आगामी 20 दिन में बढ़े पेमेंट से पेमेंट नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो हमारे श्रमिक भाई लोग जो हड़ताल किए थे कि बीजीआर कंपनी में जो हाई पावर कमेटी, जो गवर्नमेंट ने हाई पावर कमेटी का जो वेजेस देना है इनको, वेतन देना, वो वेतन नहीं मिल रहा है पिछले सितंबर 2018 से, उस मांग को लेके और अपने शिफ्ट की पाली को मांग के लेके इन्होंने हड़ताल किया था। दो तीन मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे थे हड़ताल किया था, जिन्होंने बीजीआर ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट रेड्डी जी, एसीसीएल के कार्मिक प्रबंधक श्री जॉर्ज साहब, उप कानूनी प्रबंधक अपने शैलेंद्र प्रासर जी, विधायक प्रतिनिधि सुरजीत सिंह जी के द्वारा और बाकी हमारे क्रमिक बंधु भाइयों के तरफ से, मजदूर भाई की तरफ से जो निर्णय लिया गया वो इस प्रकार है कि जो वेजेस था, जो सितंबर से वेजेस बढ़ना था, 20 दिन के अंदर हमारे कॉपी को और जो हाई पावर कमेटी के मीटिंग जो इनके सीआईएल बोर्ड में बैठेगी, अगर 20 दिन नहीं करते हम लोग पुनः 10 तारीख को, 10 मार्च को हम लोग हड़ताल पे आ जाएंगे अगर इनका पेमेंट नहीं दिया जाएगा। कोसाबाड़ी स्थित